पैंक्रियाज नाटू पार्ट थर्ड में हम आपको पैंक्रियाज की ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, वेनस ड्रेनेज, लिम्फेटिक ड्रेनेज, इसका डेवलपमेंट और इसका फंक्शन डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं पैंक्रियाज को नॉर्मली अपना फंक्शन करने के लिए शुद्ध रक्त की सप्लाई कैसे कैसे होती है। तो इसमें मुख्य रूप से तीन आर्टरीज हैं जिनका नाम यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें पहला है पैंक्रियाटिक ब्रांचेज ऑफ स्प्लेनिक आर्टरी। यह जो स्प्लेनिक आर्टरी है ये पैंक्रियाज के थ्रू द बॉडी स्प्लीन तक जाती है और इसकी तमाम ब्रांचेज निकलती हैं। इन ब्रांचेज से पैंक्रियाज को ब्लड की सप्लाई होती रहती है। और जो दूसरे नंबर की ब्लड वेसल है, आर्टरी है, इसको हम नाम देते हैं सुपीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडिनल आर्टरी। जैसा नाम वैसा काम। सुपीरियर पैंक्रियाटिको मतलब पैंक्रियाज के सुपीरियर, इसके अपर पार्ट में वह आर्टरी पास होती है जो ड्यूडिनम को भी ब्लड की सप्लाई करती है। यानी यही आर्टरी पैंक्रियाज को भी ब्लड की सप्लाई करती है और ड्यूडिनम को भी करती है। इसलिए इसका नाम, और ये चूंकि पैंक्रियाज के अपर पार्ट से पास होती है इसलिए इसका नाम रख दिया गया सुपीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडिनल आर्टरी। और जो तीसरा पॉइंट है वो है इंफीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडिनल आर्टरी। ये रही आपकी, ये ऐसे आती है वहाँ आकर के नास्तमोस कर जाती है, यहाँ से इसकी तमाम ब्रांचेज निकलती हैं जो पैंक्रियाज और ड्यूडिनम दोनों को सप्लाई करती है। और जो इंफीरियर पैंक्रियाटिक आर्टरी है देखिए ऐसे आती है, यहाँ आके नास्तमोस कर जाती है। तो लोकेशन के आधार पर इनका नाम रख दिया गया सुपीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडिनल आर्टरी और दूसरी है, तीसरी है इंफीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडिनल आर्टरी। वह आर्टरी जो पैंक्रियाज के निचले पार्ट से पास होती है और आगे जाकर ये ड्यूडिनम के पार्ट को भी ब्लड की सप्लाई करती है, इसलिए दोनों को नाम जोड़ दिया गया इकट्ठा। तो इस आर्टरी का नाम बन गया इंफीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडिनल आर्टरी। पैंक्रियाज के नीचे से पास आउट होने वाली आर्टरी जो ड्यूडिनम तक को ब्लड की सप्लाई करती है, तो इससे बढ़िया नाम, उचित नाम क्या हो सकता है, इन्फीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडिनल आर्टरी। अब आइए इसकी नर्व सप्लाई हम जाने, क्योंकि इसको नॉर्मली फंक्शन करने के लिए ये नर्व इम्पल्स की जरूरत तो पड़ेगी। तो वो कैसे होता है, तो इसमें दो ब्रांच है, एक है सिंपैथेटिक और दूसरा है पैरासिंपैथेटिक। जो सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई है वो कैसे होती है, फ्रॉम द सिलियक एंड सुपीरियर मेसेंट्रिक प्लेक्सस। प्लेक्सस माने नेटवर्क, यहाँ पर नर्व्स का नेटवर्क है, जाल बिछा हुआ है जिनसे तमाम ब्रांचेज निकलती हैं और इनको सिंपैथेटिक नर्व की सप्लाई होती है। दूसरा है पैरासिंपैथेटिक, राइट एंड लेफ्ट वैगस नर्व। वैगस नर्व जैसा कि आप जानते हैं एक बहुत ही लंबी नर्व है और बहुत सारे बॉडी पार्ट को सप्लाई करती है। तो यहाँ पैंक्रियाज के लिए भी उसकी ब्रांचेज आती हैं, एक राइट ब्रांच एक लेफ्ट ब्रांच, और ये दोनों मिलकर के पैंक्रियाज को टोटली पैरासिंपैथेटिक नर्व की सप्लाई करती है। तीसरा है वेनस ड्रेनेज, इसका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है पैंक्रियाज के द्वारा यूज किया हुआ ब्लड वो कहाँ पर ड्रेन होता है, कैसे उसकी वापसी होती है, तो इनटू स्प्लेनिक सुपीरियर मेसेंट्रिक एंड पोर्टल वेन। तो ये कुछ ब्लड इसका सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन के द्वारा कलेक्ट किया जाता है और ये सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन का ब्लड अंततोगत्वा कहाँ ड्रेन होता है, पोर्टल वेन में, और फिर तो पोर्टल वेन से होकर के ये सीधे लीवर में चला जाता है। अब आ जाइए लिम्फेटिक ड्रेनेज, यहाँ पर जो लिम्फ नोड्स हैं उनमें कहाँ कहाँ से लिम्फ आता है, इसका लिम्फ कैसे निकलता है, तो दिया हुआ है इनटू पैंक्रियाटिको स्प्लेनिक सिलियक एंड सुपीरियर मेसेंट्रिक ग्रुप्स ऑफ लिम्फ नोड्स। यहाँ पर बहुत सारे लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं और उन्हीं में
इनटू पैंक्रियाटिको स्प्लेनिक माने स्प्लीन और पैंक्रियाज में पाए जाने वाले सीलियक एंड सुपीरियर मेसेंट्रिक ग्रुप्स। इन स्ट्रक्चर्स के इर्द गिर्द ये लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं, उन्हीं में इनके लिम्फ की ड्रेनेज होती है। डेवलपमेंट इसका कैसे होता है, तो फ्रॉम द कार्डन एंड ऑफ द फोर गट बाई टू सोर्सेस। ये फोर गट तो एडल्ट में इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो ये जो डाइजेस्टिव कैनाल है ये तीन पार्ट में होती है, फोर गट, मिड गट और हाइंड गट। तो ये जो डेवलपमेंट होता है उसी समय होता है, तो इसके फोर गट के पार्ट से कार्डल माने उसके पूंछ वाले उसके इंड वाले पार्ट से इसका डेवलपमेंट होता है। इसके दो सोर्स हैं, डार्सल डाइवर्टिकुलम एंड वेंट्रल डाइवर्टिकुलम। डाइवर्टिकुलम का मतलब फोल्ड, वो एक डार्सली है मतलब पीछे साइड में है, और एक वेंट्रली है मतलब फ्रंट साइड में। अब इसका फंक्शन जानिए, तो पैंक्रियाज का बहुत ही बेहतरीन बहुत ही इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस होता है इन द फंक्शन ऑफ डाइजेशन, क्योंकि यह कई तरह के डाइजेस्टिव इंजाइम सिक्रीट करता है, जो खास तौर से भोजन में हम कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और लिपिड लेते हैं, तो तीनों को डाइजेस्ट करने के लिए पैंक्रियाज के एक्सोक्राइन पार्ट से ये तीनों तरह के आइटम को डाइजेस्ट करने के लिए तीन तरह के इंजाइम का सिक्रीशन करता है। जैसे प्रोटीन के डाइजेशन के लिए जो इंजाइम पैंक्रियाज के एक्सोक्राइन पार्ट से सिक्रीट होता है, जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन में ले जाता है, उसको हम नाम देते हैं ट्रिप्सिन। माने ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन के डाइजेशन के लिए ये जिम्मेदार होता है। दूसरा है एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है, एमाइल का मतलब होता है ग्लूकोज। तो ये किसको डाइजेस्ट करता है, स्टार्च और ग्लाइकोजन को डाइसैकेराइड में तोड़ने का काम करता है, उसको ब्रेक डाउन में ले जाता है। तो इस तरह से प्रोटीन के बाद एमाइलेज के माध्यम से ये पैंक्रियाज जो है इसके कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन दोनों के बाद तीसरा नंबर आता है फैट का। तो फैट को डाइजेस्ट करने के लिए पैंक्रियाज से एक इंजाइम निकलता है, जिसको हम नाम देते हैं लाइपेज। लाइप का मतलब लिपिड से शब्द आ गया, एज का मतलब इंजाइम से मतलब हो गया। तो पैंक्रियाज के द्वारा वह कौन सा इंजाइम है जो लिपिड के डाइजेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उस इंजाइम का नाम बनता है लाइपेज। अगर लाइपेज की कमी हो जाए, डिफिशियंसी हो जाए, तो फिर एक प्रॉब्लम होती है, जिसको हम नाम देते हैं स्टिटोरिया, जो पीछे के एपिसोड में आपको पढ़ाया जा चुका है। स्टिटोरिया क्या है, यह एक तरह का अनडाइजेस्टेड फैट पार्टिकल्स का स्टूल के साथ बॉडी के बाहर जाना। इसका नेचर होता है बल्कि ज्यादा मात्रा में स्टूल होगा, कैसा होगा, फाउल स्मेल होगा, और कैसा होगा, फ्राथी होगा मतलब झागदार होगा, और अनडाइजेस्टेड पार्ट्स ऑफ द लिपिड उसमें पाए जाएंगे। अब ये रहा इसका एक्सोक्राइन फंक्शन। अब आ जाइए इंडोक्राइन फंक्शन। इंडोक्राइन फंक्शन में ये बहुत सारे हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है, जैसे कि इंसुलिन फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ शुगर। अगर इंसुलिन न बने बॉडी में तो शुगर का लेवल यूटिलाइज नहीं होता है, तो वो ब्लड में मोर देन नॉर्मल हो जाता है, जिसको हम नाम देते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। और हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब होता है डायबिटीज मेलाइटस, क्योंकि ये जो इंसुलिन है ये शुगर के यूटिलाइजेशन में और लीवर के अंदर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने में मदद करता है। तो इस तरह से शुगर को ये कंट्रोल करने में कामयाब होता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, जिसको हम नाम देते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, विच मीन्स डायबिटीज मेलाइटस। और अगला फंक्शन इसका बताया गया पैनक्रियाटिक जूस, या कुछ जूस निकालता है, सिक्रीट करता है, जो करते क्या है, इट प्रोवाइड्स एप्रोप्रिएट अल्कलाइन मीडियम, यानी पैंक्रियाज के अंदर जो प्रॉपर नॉर्मल या सुविधा के अनुसार जो अल्कलाइन मीडियम होना चाहिए, क्योंकि इसी से ही
ये एक्टिविटी ऑफ पैंक्रियाटिक एंजाइम मेंटेन हो पाता है। अगर पैंक्रियास के अंदर ये पीएच वैल्यू कम हो जाए तो उसके एंजाइम इतने एक्टिव या इतने इफेक्टकारी नहीं हो पाते हैं जितना होना चाहिए। तो इस तरह से आपको पैंक्रियास के फंक्शंस बता दिए गए। अब अगले एपिसोड में हम आपको बताना चाहेंगे पैंक्रियास की क्लिनिकल एनाटॉमी और बहुत सारे MCQ। धन्यवाद।